क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ अ बफर कंटेनिंग इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स क्लोराइड विल बी. तो हमने जैसे कोई भी वीक बेस लिया, लेट्स से NH4OH ले लेते हैं, ये वीक बेस है और उसका क्लोराइड NH4Cl है. ये तो देखिए एक वीक बेस है, ये उसका सॉल्ट हो गया. सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. तो अगर हम देखें NH4OH विल डिसोसिएट टू गिव यू NH4 पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए मोलर थी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ए मोलर है. अब NH4Cl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम आयंस आपके पास इनिशियली ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन में पहले से ही हैं, जो कि अमोनियम क्लोराइड से आए हैं. NH4OH आपके पास कितना है, इट इज ए मोलर. अब NH4OH एक वीक बेस है, वो वैसे ही बहुत कम डिसोसिएट करता है. अब अगर कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, उसका जो डिसोसिएशन है वो फर्दर सप्रेस हो जाएगा. तो अगर मैं मान लीजिए इसमें से कुछ एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम करवाता हूँ, इसकी एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, इसकी एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, तो ये जो एक्स है, एक्स वुड बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू ए. ये रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा कम होगी. तो ए माइनस एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली ए, दिस वुड बी अप्रोक्स ए प्लस एक्स विल ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटली ए. के बी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH. अब आप देख सकते हो ये क्या है, दिस इज ए मोलर, दिस इज ऑल्सो ए मोलर, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. अल्टीमेटली जो आपकी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू के बी एंड दैट इज 2 × 10⁻⁵. इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं POH कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच विल बी 5 − log 2. POH मेरा आ जाएगा 5 − 0.3, pH दिस वुड बी 4.7, और pH अगर हमने कैलकुलेट करना है तो दैट वुड बी 14 − POH, तो आंसर हमारा आ जाएगा 9.3. डी करेक्ट ऑप्शन है.